क्या रे विजय आएगा अजीत आएगा तू क्या सपना देख रहा है आँखें फोड़ दूँगा चल जा यहाँ से मुझे बचा लीजिए नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे बचा लीजिए मिलिट्री साहब बचा लीजिए भाई है? हर जगह पर रजनी और विजय आकर बचाएंगे ये सोचना गलत है अपनी समस्या खुद सुलझाना चाहिए साहब मिलिट्री साहब मेरी बात सुनिए ना ये कश्मीर का बॉर्डर है और ना ये लोग आतंकवादी हैं उससे भी बड़े और खतरनाक गुंडे हैं ये साहब कुछ कीजिए साहब भाई दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो बच्चे खुशी से मनाते हैं वो साल में एक ही बार आता है फिर तुम लोग क्यों इसे रोक रहे हो इन मासूम जनता का क्या दोष है इन्हें त्योहार मनाने दो मत रोको मिलिट्री ये इंडिया का बॉर्डर नहीं है हट जा यहाँ से दिवाली के लिए शर्ट सिलवा कर देने के लिए बोला था इन्होंने तो कुर्ता सिला दिया घर में रहने की वजह अगर किसी का खून करके जेल में रहूं तो बेहतर है ए तू इधर आ क्या हुआ ये शर्ट तूने मेरे लिए खरीदा है अपने बाप के अब लिए अब ये जरूरी है क्या बाहर गुंडों का टॉर्चर है पटाखे फोड़ नहीं पा रहे हैं बच्ची रो रही है और आपको शर्ट की पड़ी है इस मामले में सुन कर पता करने वाले मोहन राजी ठीक है पटाखा जलाएंगे तो आवाज होगी झुरझुरी जलाएंगे तो रोशनी होगी जाके दरवाजा बंद कर इसको कहते हैं अकलमंदी मैं अभी आती हूँ भाई वो छोकरा ना वहीं पर रहता है चलो तेरी तो इसे साइड में का बच्ची को छोड़ दो पटाखा फोड़ रही है पटाखा तो सिर्फ झुरझुरी जला रही है झुरझुरी जला रही है तू खुद झुरझुरी जैसी लग रही है चल तुझे चलाता हूँ आगे ज्यादा बॉडी मत दिखाओ अरे कहाँ लेके जा रहे हो इसे छोड़ उसको मुझे छोड़ दीजिए चलो से भाग Oh!
तो मैंने उनसे मास्टर जी तो। यहाँ पर वही जॉइन करते हैं ना जिनका शरीर सेफ में नहीं होता है। पहली बार एकदम फिट, एकदम ग्रिप, एक लड़की अपने जिम में आई है। अबे क्या बोल रहा है बे? उसे जो कोई भी देखेगा ना उससे पहली नजर में प्यार कर बैठेगा। हेलो, सर का नाम है वेलू और काम है जिम मास्टर। और इनका पैर पकड़कर आशीर्वाद ले लीजिए, आशीर्वाद। छोड़ छोड़ छोड़। पैर पड़ने को बोल रहे हो? वैसे पैर कहाँ है? पैर शूज के अंदर है। पहले उसे बाहर निकालो। ए, सर का पैर निकाल रहे क्या? अरे शूज से पैर निकाल। मास्टर जी सिखाइए इन्हें। ये पहले फ्रंट में आने का और फिर बैक जाने का, फिर दोबारा फ्रंट में आने का और दोबारा से बैक जाने का, फिर से दोबारा से फ्रंट में आने का, फिर से बैक जाने का। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे टच क्यों किया? हाँ, इसको टचिंग नहीं टीचिंग क्या है? आप टच किए बिना सिर्फ मुंह से बोलिए, हम पिकअप कर लेंगे। हेलो, आप जैसी लड़कियां जिम क्यों आती हैं सब जानता हूँ। ताकि 10-15 लड़के आपके पीछे पड़ जाएं, इसलिए बॉडी डेवलप करने आते हैं। हेलो, आपकी खूबसूरती देखकर 3-4 लड़के पागल हो जाएं, इसलिए फिट बनना है। क्या कहा? अपनी खूबसूरती से 2-3 लड़के को मारने का इरादा है, इसलिए आती हूँ ना ऐसे अदा दिखाने अपनी। देखिए, मैं जिम इसके लिए नहीं आती हूँ। हेलो, लड़के जिम आते हैं 6-पैक के लिए और लड़कियां आती हैं सेक्सी फेस के लिए। हेलो, रामविलास पासवान को जानते हैं? हम लोगों को पुश वॉश पता है, ये पासवान क्या है? वो मेरे पापा है। बाप रे, वो कौन है पता है? अभी बताया तो पापा है आपके। कमिश्नर ऑफ पुलिस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ममता बैनर्जी को जानते हो? मुमताज को जानते हैं। ममता जी कौन है? वो मेरी माँ है, हाई कोर्ट क्रिमिनल जज। कहानी सुना रही है? ये तेरे लिए रील है लेकिन उनके लिए रियल। ऋतिक रोशन को जानते हो? वो मेरा भाई है, वेलैयप्पा कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज चेयरमैन। अगर मैंने एक कॉल कर दिया ना, तुम्हारी हड्डी पसली एक करके पुत्तूर पार्सल कर देंगे। क्या पुत्तूर? लेकिन वो कहाँ है? चित्तूर के पास। और ये चित्तूर कहाँ है? पुत्तूर के करीब। फिर ये चित्तूर पुत्तूर किधर है? पास पास में है। अच्छा ऐसा है क्या? ए जिम, अगली बार से चुप रहना। चलो। सर प्लीज एक पोज। सर यहाँ पर इतनी मशीन होने के बाद भी आप सोलो वर्क कर रहे हैं क्यों? यहाँ पर सारी मशीनों से एक्सरसाइज करते करते मेरा शरीर भी मशीन बन गया है भाई। एकदम मशीन की तरह है और आप आसिफ की तरह भाई, लोहे की तरह है आप, गन्ने की तरह भाई, एक शेर जैसे हैं। मैंने आज से पहले बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मर्द को देखा है लेकिन आज पहली बार इस तरह फिट बॉडी को देख रही हूँ। क्या बॉडी है आपकी! अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे उतार इसे जल्दी। भाई के लिए ये सब अगरबत्ती की तरह है और आप एक मोमबत्ती जैसी हो। तू रस्सी के धागे जैसा है और अर्नाल्ड की तरह बिल्डअप दे रहा है। कहाँ है तेरा मास्टर? यस, इतना जल्दी क्यों बुलाया मुझे? ये कौन है? अरे ये तो मेरा स्टूडेंट है, मेरी डेवलप की हुई बॉडी है। कैसा लग रहा है? तो फिर ये कौन है?
ये सब क्या है? जिम चला रहे हो या दस अवतार फिल्म बना रहे हो? गेटअप डाल रहे हो गेटअप? हाँ, ए शर्ट उतार। क्यों उतारूं? तेरी बॉडी ओरिजिनल बॉडी है, मेन बॉडी है या कार्ड बॉडी है वो देखना है। चल दिखा बॉडी। उसने शूज निकालने के लिए बोल रही थी, आज शर्ट निकालने के लिए बोल रही है। आगे पता नहीं क्या क्या करेगी ये। अरे जो भी करना है करने देना, तुझे क्या मतलब है? अभी उतारोगे तो शर्ट उतारनी पड़ेगी। अगर मेरा बाप आ गया तो शर्ट भी उतारनी पड़ेगी और पैंट भी। फिर तुम्हारा पोज चड्डी पोज होगा। शी, मुझे तो शर्म आ रही है, जाने दो ना। क्या इसको शर्म आ रही है? हाँ, क्या चाहिए तुम लोग को? बस शर्ट ही उतारनी है ना मुझे। हाँ, इतना ही। गुड। ओके, ओरिजिनल बॉडी है इसकी। हेलो हेलो, कहाँ हो आप? हाँ पापा, बोलिए पापा। पापा, क्या आपने उस बम मुर्गेशन को एनकाउंटर में गोली मार दी? मैं आश्रम से गीता बोल रही हूँ। क्या पापा, आपके लिए तो आजकल एनकाउंटर टिकट काउंटर जैसा हो गया है। आप लोगों को गोली मार रहे हो और उधर माँ, मैं बोर हो गई हूँ। तुमसे बात करके पागल हो जाऊंगी मैं। क्या, मैं क्यों होटल जाऊंगी? यहाँ पर एक लड़का है, हाँ उसे भिजवा कर मंगवा लेती हूँ। बिल ना, वो दे देगा। बाय बाय। अच्छा सुन, तू एक काम कर, यहाँ से सीधा होटल जाकर चार मुर्गी की बिरयानी लेकर आ। आप सबके लिए लेकर आनी है क्या? सिर्फ मेरे लिए। ए, तुम लोगों को जो जो चाहिए ऑर्डर कर दो। मुझे शुतुरमुर्ग बिरयानी, एक पनीर बिरयानी, सुद्धू मुर्ग बिरयानी, एक केकड़ा बिरयानी। सुनिए, केकड़े की बिरयानी नहीं मिलती यहाँ पे, तो तुम बना लाओ ना। तुम्हें भी बिरयानी चाहिए क्या? अच्छा सुनो, तुम्हें अगर भूख लगी हो तो लेमन राइस खा लेना, ठीक है? इस संगीत समारोह का आयोजन करने वाले लक्ष्मण श्रुति और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का इस करप्पन अनाथ आश्रम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।